स्वागत है आपका स्मार्ट नौकरी चैनल में। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बिहार से जुड़ी तमाम खबरें सबसे बड़ी। जी हाँ, तो सबसे पहले हम बात कर रहे थे बिहार में हो रहे चुनाव को लेकर, उसके बाद बात करेंगे आपसे जी हाँ दोस्तों बाकी खबरों के बारे में। तो बिहार की सियासत में पहली बार हुआ ऐसा कि नीतीश नहीं रहे, अब बीजेपी के बड़े भाई। जानेंगे इस खबर को विस्तार से इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आज की सबसे बड़ी खबर निकल के जो सामने आ रही है बिहार से, कोरोना वायरस के केसेस को लेकर। लगातार बिहार में कोरोना वायरस के केसेस जो है बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन इस समय प्रदेश में जो है चुनाव आ चुके हैं, जिसकी वजह से लोग जो है सिर्फ और सिर्फ चुनाव की बात कर रहे हैं और जो है कोरोना वायरस के ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। बात करें टोटल आंकड़े तो 1,89,000 लोग अभी तक बिहार में इस भयंकर बीमारी की चपेट में आ चुके हैं, और जिसके देखते हुए जो है अभी तक कोई प्रिकॉशन लेने की जो है ज़रूरत नहीं समझ रही जा रही सरकार, क्योंकि सरकार अभी लगी हुई है चुनाव के अंदर प्रचार प्रसार को। बात करें मरने वालों की संख्या तो यहाँ पर 924 से ज़्यादा लोग जो है अपनी जान इस भयंकर बीमारी की चपेट में आने की वजह से गंवा चुके हैं। तो चलते हैं अगली खबर की तरफ। जी हाँ दोस्तों, अगली सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है कि बिहार की सियासत में ऐसा पहली बार हुआ कि नीतीश नहीं रहे, अब बीजेपी के बड़े भाई। अगर हम बात करें बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में, इस बार बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा। भाजपा और जदयू साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, मगर लोजपा साथ नहीं। लोजपा के अलग होने के बाद बुधवार को एनडीए ने अपनी सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर पर्दा हटा दिया। भाजपा के जदयू के सीट पर ऐलान हो गया, और भाजपा और जदयू के बीच सीटों के बंटवारे के ऐलान के बाद एक चीज ने सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। जहां सीटों की संख्या बिहार की सियासत में ऐसा पहली बार हुआ होगा कि जब भारतीय जनता पार्टी नीतीश की जदयू से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ रही है। भले ही लोकसभा में बीजेपी ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़े, मगर विधानसभा में नीतीश की पार्टी जदयू ही बड़े भाई की भूमिका में होती है, मगर इस बार पासा पलटा हुआ है। अगर साल 2015 में विधानसभा चुनाव को छोड़ दिया जाए तो बिहार की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी और जदयू साथ में ही रही है। 2015 में सिर्फ जदयू और राजद का महागठबंधन बना था, क्योंकि 2013 में बीजेपी के पीएम के पद के दावेदार के लिए मोदी के नाम पर मुहर लगाने के बाद 17 साल का साथ छोड़कर जदयू एनडीए में अलग हो गई। बहरहाल विधानसभा चुनाव 2020 में भारतीय जनता पार्टी को जहां 121 सीटें मिली, वहीं जदयू को 122 सीटें। मगर यहां जदयू की 122 सीटों में 7 सीटें जीतन राम मांझी की पार्टी को दे दी जाएंगी। इस तरह इस चुनाव में जदयू कुल 115 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भाजपा के 121 सीटों में से कुछ सीटें सन ऑफ मल्लाह यानी मुकेश सहनी को वीआईपी को दी जाएंगी। हालांकि यह साफ नहीं हुआ कितनी सीटें दी जाएंगी, मगर राजनीतिक पंडितों का मानना है कि वीआईपी को 3-4 से अधिक सीटें तो मिलती दिख रही हैं। कुछ राजनीतिक पंडितों का यह भी मानना है कि बीजेपी अपने सिंबल से वीआईपी के उम्मीदवारों को चुनाव लड़ा सकती है। कुल मिलाकर 243 सीट पर एनडीए के सीट शेयरिंग फार्मूले को देखा जाए तो बीजेपी की सीटों की संख्या जदयू से ज़्यादा नजर आ रही है। हाथरस में हुई दर्दनाक घटना की वजह से देश भर में एक आक्रोश का माहौल बना हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से अभी तक कुछ खास बयान नजर नहीं आया, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बहुत ही बड़ी बात कही कि उन्होंने कहा कि शव को इसलिए जलाया गया उस पीड़िता के शव को ताकि जो है दंगे ना भड़क सके, और इस बात को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियाँ जो है कह रही हैं कि इस प्रकार का जो भाषण उन्होंने दिया है, यानी कि जो अपनी स्पीच दी है अपनी सफाई में, वो कहीं भी जो है सुनवाई नहीं है। क्योंकि इस प्रकार की बात को जो है इस प्रकार मोदी सरकार कह रहे हैं कि मोदी सरकार के राज में और योगी सरकार के राज में अगर वो दंगे नहीं संभाल सकते तो फिर उन्हें जो है पूरी तरह से इस्तीफा दे देना चाहिए। राहुल गांधी हो, चाहे प्रियंका गांधी हो, चाहे देश के सीपीआई नेता हो, चाहे लेफ्ट के नेता हो, सभी लोग इस बात की काफ़ी ज़्यादा निंदा कर रहे हैं कि योगी सरकार में पीड़िता यानी दलित पीड़िता के साथ जो हुआ वो दर्दनीय था, लेकिन उसके बाद जो योगी सरकार वहाँ पे कर रही है वो उससे कई गुना ज़्यादा दर्दनीय है। राहुल गांधी को धक्का दे दिया गया था, उसके बाद जो है उनसे मिलने नहीं दिया गया, फिर फाइनली 2 से 3 दिन के बाद जो है लोग उनसे मिलने लगे पीड़िता के परिवार में यानी हाथरस पहुँचे, उसके बाद जो हुआ वो आपको जो है काफ़ी कुछ जो है चिंता में डाल सकता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात करें हाथरस में लगातार उनके जो पीड़िता के परिवार के लोग हैं उनका कहना है कि वो अपने गांव में अब सुरक्षित नहीं है, उन्हें योगी राज सरकार पर जो है पूरी तरह से भरोसा नहीं है, उनकी जान की खतरा है, और इन तमाम चीज़ों का हवाला देते हुए वो कहते हैं कि अब वो जल्द से जल्द हाथरस को घर को जो है खाली करना चाहते हैं, क्योंकि हाथरस में उनके लिए रहना सुरक्षित नहीं है। फिलहाल योगी सरकार का कहना है कि वो दंगों को शांत करने की वजह से जो है ये सब कुछ की, यानी कि सब को जो है रातों रात जलाना पड़ा, लेकिन ये बात कहीं पर भी जो है लागू नहीं होती। तो चलते हैं हम अपने अगली खबर की तरफ। जी हाँ दोस्तों, अगली सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही बिहार सरकार की तरफ से। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बिहार की राजनीति में इस बार कुछ नया आपको देखने को मिलेगा। जहां बात कर रहे हैं लोजपा के चिराग पासवान, उन्होंने कहा था कि वो बीजेपी के खिलाफ अपने उम्मीदवार नहीं उतारेंगे, लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी के खिलाफ वो अपने उतारने वाले हैं मैदान पे। लेकिन यहां पर आखिरकार हो ही गया कि बिहार चुनाव में बीजेपी के खिलाफ एलजेपी ने उतार ही दिया अपना उम्मीदवार, और बताई क्या वजह, जानेंगे इसमें। जी हाँ दोस्तों, बिहार चुनाव में बीजेपी से अलग होने के बाद लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान ने ऐलान किया था कि वो बीजेपी के खिलाफ चुनावी मैदान में उम्मीदवार नहीं उतारेंगे, मगर मंगलवार को जारी लोजपा के उम्मीदवारों की इस लिस्ट में एक ऐसा नाम था जो बीजेपी के खिलाफ चुनावी मैदान में उतारा गया। यह लोजपा के मौजूदा विधायक राजू तिवारी हैं, जो भाजपा के खिलाफ
गोविंदगंज विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ेंगे। इस संबंध में लोजपा का कहना है कि गोविंदगंज हमारी सिटिंग सीट है और राजू तिवारी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, ऐसे में वह सीट नहीं छोड़ सकते। आपको बता दें कि लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने सोमवार कहा था कि बिहार में अगली सरकार भाजपा के नेतृत्व में बनेगी जिसमें लोजपा भी शामिल रहेगी। लोजपा के सभी विधायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काम करेंगे। आपको बता दें कि लोजपा चुनाव में जदयू के खिलाफ अपने उम्मीदवार उतारेगी, मगर पार्टी लगातार ये दोहराती रही कि वो बीजेपी के खिलाफ अपने उम्मीदवार नहीं उतारेगी और उसका गठबंधन लगातार जारी रहेगा बीजेपी के साथ। 143 सीट पर चुनाव लड़ने की बात आरंभ से ही करती रही। नवादा से सांसद चंदन सिंह ने कहा कि लोजपा जदयू से अलग चुनाव लड़ेगी और बड़ी संख्या में सीट जीतकर विधानसभा पहुंचेगी। गौरतलब है कि लोजपा ने ऐलान किया है कि वह विधानसभा चुनाव में भाजपा उम्मीदवारों के खिलाफ अपनी प्रत्याशी नहीं उतारेगी। अब यह भी बताया जा रहा है कि कुछ सीटों पर भाजपा के साथ फ्रेंडली फाइट भी करेगी। लोजपा के एक और विधायक राजकुमार लालगंज से विधायक है और यह सीट भी एनडीए के तहत भाजपा को मिली है। ऐसे में यहाँ पे लोजपा क्या करेगी यह आगे तय करता है। तो लगातार बिहार की राजनीति में आपको कुछ नया नया देखने को मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, गौरतलब है कि लोजपा ने ऐलान किया है कि वो जो है बीजेपी के साथ मिलकर ही अपनी जो है सरकार बनाएगी, लेकिन नीतीश कुमार के खिलाफ बनाएगी। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को इस बात से काफ़ी चोट पहुंची है कि चिराग पासवान सिर्फ और सिर्फ उनकी वजह से जो है अपनी अलग पार्टी से जो है चुनाव लड़ रहे हैं। बात करते हैं अगली खबर की तरफ। जी हाँ दोस्तों, बिहार चुनाव में मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी को बीजेपी ने अपने कोटे से दी है 11 सीटें। बात करें मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी, जिसे हम VIP के नाम से जानते हैं, NDA में शामिल हो गई। बिहार विधानसभा चुनाव में मुकेश सहनी की पीठ को जो है 11 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बुधवार को बीजेपी ने VIP के साथ गठबंधन का ऐलान करते हुए अपने कोटे से यानी 121 सीटों में से 11 सीटें जो हैं VIP को देने की घोषणा की। बीजेपी ने भविष्य में मुकेश सहनी को एक MLC सीट देने की बात भी कही है। बता दें कि विकासशील इंसान पार्टी की महागठबंधन का हिस्सा थे। जिस दिन महागठबंधन ने सीट बंटवारे का ऐलान किया, उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में VIP के अध्यक्ष मुकेश सहनी ने राजद पद पर पीठ से खंजर घोंपने का आरोप लगाकर महागठबंधन से नाता तोड़ लिया था। लेकिन उसके बाद NDA में शामिल होने के बाद सहनी ने कहा कि जिस गठबंधन ने हमें राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी, एक बार फिर से हम उस घर में आ गए हैं। यह मेरे लिए काफ़ी खुशी की बात है। सहनी ने कहा कि आज से हम पूरी तरह से मजबूती के साथ NDA के साथ रहेंगे और जब तक हैं तब तक उनके साथ बने रहेंगे। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं लोकल ट्रेनों के बारे में, पैसेंजर ट्रेनों के बारे में और एक्सप्रेस ट्रेनों के बारे में। देश भर में इस समय त्यौहार के सीजन चालू हो चुके हैं, चाहे वो छठ पूजा हो, चाहे वो दिवाली का सीजन हो। लगातार जो है, जी हाँ दोस्तों, लोग जो है सफ़र करने के लिए टिकटों की बुकिंग में जो है लगातार लाइन लगा रहे हैं, लेकिन उनके हाथ निराशा आ रही है। इसी बीच जो है सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला किया, 39 नई स्पेशल ट्रेनों का जो है संचालन को मंजूरी दे दी। तो ये जो आपकी ट्रेनें हैं ये चलाई जा रही सिर्फ और सिर्फ जो है दिवाली छठ पूजा स्पेशल, जाकि सभी लोग जो है उत्तर प्रदेश और बिहार जाने वाले जो भी लोग हैं वो जो है आसानी के साथ सफ़र कर सकें। तो दोस्तों, अगर आपको भी जानना हो ये 39 स्पेशल ट्रेनें कौन कौन सी है, तो आप हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम आपको पूरी लिस्ट सेंड कर देंगे, आप उसमें से देख सकते हैं कि आपके रूट पे कौन कौन सी स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं मैं आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो स्मार्ट नो के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि कोई भी खबर आपसे छूट ना पाए। तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।